समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज 27 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव, आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब उन्हें लेने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को अंतरिम जमानत दे दी थी। शाम 5:30 बजे तक आजम की रिहाई के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी जेल तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए वो कल रिहा नहीं हो पाए, लेकिन आज सुबह वो जेल से बाहर आ गए। बाहर निकले तो आजम बड़े गुमसुम दिखे। उन्हें रिसीव करने के लिए शिवपाल यादव के साथ सपा के विधायक आशु मलिक और दोनों बेटे सीतापुर जेल पहुंचे थे। अखिलेश यादव या सपा का कोई बड़ा नेता नहीं दिखा। जेल से बाहर निकले तो शिवपाल यादव से गर्मजोशी से मिले, कुछ बातें हुई, फोटो खींचे गए और आजम खान बेटे की कार में अगली सीट पर जाकर बैठ गए। आजम के समर्थकों का भारी जमावड़ा भी दिखा। आजम कुछ बोले तो नहीं, पर हाथ हिलाकर अभिवादन जरूर किया। शिवपाल ने मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, स्वागत एवं शुभकामनाएं। आजम को लेकर जब शिवपाल यादव का काफिला निकला तो उन्होंने गाड़ी रोककर बातचीत की। शिवपाल ने कहा कि न्याय की जीत हुई है, आजम खान साहब की जीत हुई है। वहीं सबसे पहले सीतापुर जेल से बाहर निकलकर आजम खान पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे, जहां आजम खान ने समर्थकों से मुलाकात की और नाश्ता किया। समर्थकों से गले मिलते वक्त आजम खान भावुक भी नजर आए। यहां से आजम खान रामपुर के लिए रवाना हो गए। जब अनूप गुप्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमें निर्देश दिया था, आजम खान का जितना भी ख्याल रख सकते हैं रखें। अब ऐसा है कि जैसे कि अब इनका परिवार बैठा है, यहाँ पर आए और यहाँ पर परिवार उनका जैसे आया तो हमारा फर्ज था कि अगर कोई भी आया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि इनका जो भी ख्याल कर सकते हो करना। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक माननीय श्री आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतवार है कि वो अन्य सभी झूठे मामले मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं, ऐसा अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अब जब आजम जेल से रिहा हो गए हैं तो माना जा रहा है कि सूबे की राजनीति में नए मोड़ आ सकते हैं। आजम की सियासी ताकत से सभी वाकिफ हैं। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर बसपा तक ने आजम खान पर डोरे डाले हैं। शिवपाल यादव भी आजम खान से जेल में जाकर मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें अपना भाई बताते हुए संकेत दिया था कि दोनों नेता साथ मिलकर नया मोर्चा बना सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सूबे की राजनीति में क्या मोड़ आता है।